हेलो एवरी वन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके जो पर्सन है वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी क्या करंट एनर्जी है आप लोगों को लेके, उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स क्या हैं एंड उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आप लोगों के लिए। सो गाइज, रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं। रीडिंग गाइज टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगा, जितना रेजोनेट हो उतना रखिएगा, बाकी को जाने दें। एंड आप चैनल पे न्यू हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और मेरे इंस्टा पे भी, ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो को लाइक करें ताकि आप एनर्जीज जो है वो रीडिंग के अपने साथ एक्सचेंज कर सकें। अगर आप लोग पर्सनल कोई टैरो का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग मेरे ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन, या फिर आप लोग ईमेल पे डायरेक्ट जाके वहाँ पे देख भी सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सो चलिए, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं उन पर फोकस करिए। इट कुड बी एनीवन, ठीक है। ये आपका कोई पास्ट पर्सन हो सकता है, आपका कोई इस टाइम जो करंट पार्टनर है वो भी हो सकता है, आपका हस्बैंड, वाइफ, आपका एक्स, आपका कोई फ्रेंड, कोई भी हो सकता है ये पर्सन जिसके लिए आप लोग रीडिंग को देख रहे हैं या फिर देखना चाहते हैं। आप जानना चाहते हो कि उनकी एनर्जी क्या है बेसिकली आपको लेके, या उनकी फीलिंग्स क्या है, या वो आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं, या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उनकी तरफ से एक्शन, तो आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो चलिए, लेट्स सी, पॉजिटिव रहिए, देखते हैं आपकी, जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हैं आप लोग उनकी करंट एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर्स, आपके लवर्स, आपके पर्सन की आप लोगों को लेके इस टाइम करंट एनर्जी क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। करंट एनर्जी क्या है, ओके गाइस। सो फर्स्ट भी है नंबर वन, द सन के काफ़ी टाइम के बाद कार्ड आया है, मतलब बहुत टाइम के बाद। नंबर वन है हमारे पास द सन, इस पर्सन का स्टार साइन लियो हो सकता है। नंबर वन किसी भी तरह से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। करंट एनर्जी क्या है, एंड देन वी हैव 25 डिसीट, 25 इनकी एज हो सकती है, 25 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, नंबर 17 इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी भी तरह से आप लोगों के लिए, नंबर 17 एज हो सकती है या फिर इनका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। एंड देन वी हैव हैप्पी फैमिली, नंबर 4, नंबर 14 इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है गाइस, 47 भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी तरह से, इनकी एज हो सकती है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 8 इन डिसीजन, नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, 48 एज हो सकती है, नंबर 18 किसी तरह से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। सो गाइज, इनकी करंट एनर्जी आपको लेके क्या है इस टाइम, मुझे दिख रहा है यहाँ पे, चाहे आप लोग किसी मैरिड पर्सन के लिए रीडिंग को देख रहे हैं या अनमैरिड के लिए देख रहे हैं, तो इन्होंने किसी तरह से डेफिनेटली आप लोगों को धोखा दिया, या फिर किसी तरह से आप लोगों के साथ, आप कह लें कि आपका मिस यूज़ किया है किसी तरह से, मिस यूज़ इन अ सेंस कि आपके इमोशंस के साथ इस पर्सन ने खेला है, यस। बट आई फील लाइक हो सकता है इस पर्सन ने आप लोगों को बहुत बुरी तरह से चीट किया, लाइक अगर आप लोग काफ़ी ज़्यादा सेटल थे फाइनेंशियली, तो इस पर्सन ने हो सकता है सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से आप लोगों के साथ किसी भी तरह का कनेक्शन बनाया है, या फिर आप लोगों ने फाइनेंशियली भी इनको सपोर्ट किया है, बट स्टिल आप लोग तो सीरियस थे, आप लोग लॉयल थे इस पर्सन के साथ, बट आपने अगर इनको फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट किया है, तो डेफिनेटली इस पर्सन ने आप लोगों को फिर भी चीट किया है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ अ वेरी मीन पर्सन गाइस। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मतलबी पर्सन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, और इनकी एनर्जी यही है कि इसको भी पता है इस पर्सन को कि इसने आपको यूज़ किया है, आपको बड़ी बुरी तरह से धोखा दिया है। इस पर्सन की इंटेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थी आप लोगों के लिए, बट हो सकता है कुछ लोगों की अभी भी, आपके पार्टनर्स की या लवर्स की इंटेंशन जो है वो अभी भी नेगेटिव है आप लोगों को लेकर, लाइक वो दोबारा से आप लोगों को यूज़ कर सकते हैं या करना चाहते हैं, उनकी एनर्जी है, क्योंकि उनको दिखता है कि जैसे अगर ये पर्सन आपके पास आता है आपकी हेल्प लेने के लिए, किसी तरह से फाइनेंशियली आप लोगों से कोई सपोर्ट लेता है, तो डेफिनेटली इस पर्सन की लाइफ में खुशियां तो आएंगी ना, लाइक ये पर्सन खुश तो रहेगा, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकेगा अच्छे से, ठीक है। इस टाइम प्रेजेंट की एनर्जी मैं इनकी बता रही हूँ आप लोगों को लेके, बिकॉज दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज, इसको आप समझ नहीं आ रही है कि इस पर्सन ने दोबारा से अगर आप लोगों से पैसे का, मतलब लाइक फाइनेंशियली कोई सपोर्ट लेनी है या फाइनेंशियली कोई हेल्प लेनी है, तो इनको समझ नहीं आ रही कि क्या यू गाइज आर रेडी टू हेल्प अगेन, ठीक है ना। तो क्या आप इनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो, या आप दोबारा इनकी कोई हेल्प कर सकते हो इस चीज़ से रिलेटेड, तो दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मुझे दिख रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि ये पर्सन किस तरह से आप लोगों की तरफ एक्शन ले,
ठीक है, तो काफ़ी इनडिसाइसिव हो रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि इन्होंने डिसीजन क्या लेना है, काफ़ी मेंटल टेंशन भी दिख रही है क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को ये यूज़ कर चुका है और आप लोगों के सामने इसकी रियलिटी एक्सपोज भी हो चुकी होगी। अगर जिनके सामने एक्सपोज नहीं हुई तो डेफिनेटली आप लोगों को इतना तो समझ आ गया होगा कि ये पर्सन जो है इसने आपको यूज़ किया है किसी तरह से। अगर आप अपने किसी हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो भी इन्होंने आपको, हो सकता है पैसे की वजह से आपसे शादी की हो, लेकिन इस टाइम या फिर इस पर्सन ने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लाइक पैसे की वजह से की, आप लोगों को पैसा ले ही जा रहा था ये पर्सन, पैसा आप फाइनेंशियली इस पर्सन को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, आप लोगों की कोई सेविंग थी तो भी ये पर्सन उसको भी यूज़, आपने इस पर्सन को अपनी सेविंग भी दे दी इवन कि मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, बट स्टिल ये पर्सन किसी और में इन्वॉल्व हो सकता है एज अ रिलेशनशिप, ठीक है। आप लोगों की इनकी फैमिली है, आप लोगों की शादी ओबियसली इनसे हुई है, लेकिन इस पर्सन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक मीन पर्सन जो होते हैं ना, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी, अपने मतलब के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता, तो इस पर्सन ने वो आपके साथ सब कुछ किया है। अगर ऐसा कुछ नहीं है या फिर इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ आपको धोखा दिया है, मतलब यू नो बहुत ज़्यादा आपको यूज़ नहीं किया, नॉर्मली एक चीट किया है आप लोगों को, या फिर ये पर्सन ने कुछ बहुत ज़्यादा आपके साथ बुरा नहीं किया, तो इस टाइम इनकी एनर्जी है कि ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में खुशियाँ आएं, बिकॉज़ ये एक न्यू तरह से एक अपनी लाइफ को राइज करना चाहते हैं, ठीक है ना, राइजिंग स्टार, राइजिंग सन टाइप जो एनर्जी है, ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में एक नई बहार आए, नई खुशियाँ आएँ, तो डेफिनेटली इनको लगता है वो आपके साथ शादी करके आएंगी। बहुत कम लोगों की यहाँ पे एनर्जी है आप लोगों के पार्टनर्स की जो आपके लिए पॉजिटिव हैं, बट अदरवाइज देखा जाए ऑल ओवर तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी मुझे नेगेटिव दिख रही है। बहुत कम चांसेस हैं कि, बहुत कम लोगों के पार्टनर्स की तरफ से चांसेस हैं कि वो आपके साथ आगे फैमिली बनाने के बारे में उनकी एनर्जी है, वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, खुशियाँ लेकर आना चाहते हैं अपनी लाइफ में ताकि आपकी इनसे शादी हो, लेकिन अदरवाइज़ अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं तो डेफिनेटली इनको सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब होगा क्योंकि इनको अभी भी पैसे की लालच है, पैसे की ज़रूरत है इस पर्सन को, क्योंकि स्टिल दिस पर्सन हैव एनर्जी कि ये आपको धोखा दे अगेन, इसीलिए आप लोगों ने बहुत सोच समझ के इस पर्सन पे दोबारा ट्रस्ट करना है, दोबारा इस पर्सन को चांस देना है, इट्स ऑल अप टू यू, क्योंकि गाइज आप लोगों की जो भी सिचुएशन है कनेक्शन की वो आपको बेटर पता है, ठीक है, क्योंकि आपका कनेक्शन है, तो बहुत कम के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि ये पर्सन जो है आपके साथ फैमिली बनाएगा, लेकिन अदरवाइज एनर्जी यहाँ पे डिसीट की है। देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, फीलिंग्स वीवर्स को देख रहे हैं। देन वी हैव सेवन ऑफ वैंड्स, इट इज लियो सैजिटेरियस, नंबर सेवन इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे, 5+2=7, एंड यहाँ पे भी हमारे पास है नंबर सेवन की एनर्जी, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। एंड देन वी हैव डेथ, स्कॉर्पियो, नंबर 13 आपके लिए इंपॉर्टेंट है गाइस। एंड देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, यस, यहाँ पे फाइनेंशियली मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना फैक्टर दिख रहा है यहाँ पे। देन वी हैव फोर ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 44 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 44 इनकी एज भी हो सकती है। देन वी हैव एस ऑफ वैंड्स, इट इज लियो सैजिटेरियस, यस, कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि लाइक ब्लॉक सिचुएशन है कुछ लोगों की। एंड देन वी हैव थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास गाइस फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट की एनर्जी, यस, यहाँ पे सेपरेशन चल रहा है, बहुत से लोगों का यहाँ पे सेपरेशन है, ठीक है, ये पर्सन लाइक दिस पर्सन फील्स कि आप लोग इस पर्सन को छोड़ के जा चुके हो, और आप लोगों ने वही बात यहाँ पे फाइनेंशियली बात आ रही है कि आप लोगों ने इस पर्सन को फाइनेंशियली सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी स्टिल इस पर्सन ने, क्योंकि सांप की फितरत गाइस होती है कि उसने आपको डंग मारना है, चाहे आप उसको, वो कहते हैं ना सांप को आप दूध का प्याला भी दे रहे हो पीने के लिए तो भी वो उसकी फितरत है डसना, वो आपको डस के रहेगा क्योंकि ये नेचुरल है चीज़। तो इस पर्सन को आपने इतना सपोर्ट किया, इतना फाइनेंशियली इस पर्सन को आपने दिया, सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि आप प्यार करते थे इस पर्सन से, आपको लगाव है इस पर्सन से, शायद आपको ये खुद भी इस चीज़ की समझ नहीं आती, ये इस पर्सन ने अपने मतलब काफ़ी पूरे किए हैं आप लोगों से, बट स्टिल यू गाइज हैव फीलिंग्स फॉर देम, ठीक है। तो इस टाइम ये पर्सन को आप लोगों ने, आप स्टिल मुझे लगता है हो सकता है इस पर्सन को पहले चेस कर रहे थे, और ये पर्सन आपको यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे ब्लैकमेल करता हो, या फिर ब्लैकमेल नहीं भी करता तो सिर्फ और सिर्फ आपसे बात इसी वजह से करना कि, या आपको प्यार इस वजह से देना कि आप लोग इस पर्सन को फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहो, और आप लोग भी अपने प्यार उस पर्सन से करते थे इस वजह से आप उसको
पैसे देते रहे हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है, मुझे पैसा ही पैसा दिख रहा है यहाँ पे, एनर्जी घूम फिर के वहीं आ रही है एक ही। तो ये अब लाइक आप लोग इस पर्सन के पीछे काफ़ी ज़्यादा आपने इसको चेज़ किया है, ये भागता रहा है और सिर्फ पैसे के नाम पे आप लोगों को इस्तेमाल करता रहा है, बट अभी इस पर्सन को फील हो रहा है जैसे आप लोगों ने भी इसको छोड़ दिया। और जब आप लोगों ने इस पर्सन को छोड़ा है तो इस पर्सन को फाइनेंशियली काफ़ी क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं। हो सकता है इनकी कोई सेटल जॉब भी नहीं मुझे दिख रही, सेटल कोई इनका वर्क भी नहीं मुझे दिख रहा, ठीक है, अपनी लाइफ में इस पर्सन को इतनी स्टेबिलिटी है ही नहीं है फाइनेंशियली कि ये पर्सन किसी को कुछ दे सके सिवाय लेने के, ठीक है ना। तो आप लोगों ने यू गाइस टोटली मतलब लाइक मुझे लगता है इस टाइम आप लोग जो हो ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हो इस पर्सन से कि आप लोगों ने इस पर्सन को चेज़ करना भी छोड़ दिया है, क्योंकि आप लोगों के आगे शायद ज़्यादा इस पर्सन की रियलिटी ऐसी आई है कि आप लोगों को फील हो चुका है कि आप लोगों को ये पर्सन यूज़ कर रहा है सिर्फ और सिर्फ पैसे के नाम पे, खेल रहा है आपकी फीलिंग से। तो इस टाइम ये पर्सन अब आपके साथ यूनियन खुद करना चाहता है, क्योंकि आपके बिना आपने जब इसको चेज़ करना छोड़ दिया तो इसको लग रहा है कि आप लोगों ने इस पर्सन को बिल्कुल तन्हा अकेला छोड़ दिया है, आप लोगों को इस पर्सन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, ये पर्सन फील कर रहा है और इसीलिए यूनियन करना चाहते हैं। ये चाहते हैं दोबारा से आपके इस कनेक्शन में इस पर्सन को चांस मिले ताकि ये पर्सन दोबारा से आप लोगों के साथ जो है अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सके। अब ये आपको फाइनेंशियली यूज़ भी कर सकता है जैसे मैंने ऊपर आपको एनर्जी बताई है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे चांसेस हैं, आप कह लो कि 25-30% चांसेस हैं कि यहाँ पे आप लोगों जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हैं जिस पर्सन के लिए वो आपके साथ आगे कनेक्शन कोई बनाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे 70-75% चांसेस है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से अपने मतलब के लिए कनेक्शन बनाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और अपने मतलब के लिए ऐसा जाएगा ये पर्सन, इसकी फीलिंग है कि ये आपसे माफ़ी भी मांगेगा, आपको मैसेज कर सकता है ये पर्सन अपोलॉजी का, क्योंकि ऑलरेडी या तो आप लोग इस पर्सन को रिजेक्ट कर चुके हो और जब आप लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया या इस पर्सन ने किसी वजह से आप लोगों को छोड़ दिया है या ब्लॉक कर दिया या आप लोगों की कम्युनिकेशन ख़त्म हो चुकी है, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा तन्हा महसूस कर रहा है, काफ़ी अनहैप्पी है अपनी लाइफ में, काफ़ी बोर फील हो रहा है। इस पर्सन को लाइफ में लग रहा है जैसे इस पर्सन की अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई है, हर तरह की अपॉर्चुनिटी जो आप लोगों की तरफ से भी इस पर्सन को कैश मिल रहा था वो भी ख़त्म हो चुका है, इसीलिए ये एक स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू कनेक्शन आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। और उस कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए दिस पर्सन इज़ प्लानिंग एंड थिंकिंग अबाउट अ न्यू आइडियाज़ कि जो भी इस पर्सन ने आपके साथ जो है वो एक एग्जीक्यूट करने हैं ना आइडियाज़, जिस तरह आप इसने आपकी तरफ एक्शन लेना है, तो ये अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाह रहा है, क्योंकि जब से आप लोगों ने इस पर्सन को छोड़ा या बात करनी ख़त्म की है या आप लोग अपने आप को लेके प्रोटेक्टेड हो गए हो, काफ़ी डिफेंसिव आप खुद को लेकर हो गए हो, जिसकी वजह से आपने कम्युनिकेशन करना अवॉइड कर दिया है, या फिर आप लोगों ने अपने लिए स्टैंड ले लिया है क्योंकि इस पर्सन की रियलिटी आपके सामने आ गई, या फिर आप लोगों ने इस पर्सन को अवॉइड कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो ये पर्सन आपके पास आने के लिए न्यू आइडिया सोच रहा है, क्योंकि दिस पर्सन फील्स कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, फाइनेंशली स्टेबल हो। यहाँ पे पैसे की बात हो रही है, मैं खुद आपके सामने मैंने कार्ड्स यहाँ पे शफल किए हैं, तो ये देख रहा है आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो अपनी लाइफ में, आप लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसी वजह से ये आपकी फ्रेंडशिप है तो हो सकता है आपके फ्रेंड्स ने भी आपको यूज़ किया हो, तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स टाइप का भी ये कनेक्शन रहा होगा, इसीलिए ये पर्सन दोबारा से आना चाहता है और दोबारा वही सब कुछ क्रिएट करना चाहता है जो कभी आप लोगों के दरमियान पहले था, क्योंकि आप लोगों के साथ मिलकर इस पर्सन ने काफ़ी हैंग आउट किया, काफ़ी फ़न किया, काफ़ी लाइफ को एंजॉय किया, पार्टीज़ वगैरह को ज्वाइन किया, काफ़ी ज़्यादा गेट टुगेदर में गया, काफ़ी फंक्शंस अटेंड किए हैं, तो ये अब उन चीज़ों को मिस कर रहा है, क्योंकि इस पर्सन को उस चीज़ की एडिक्शन हो गई है ना, आप लोगों ने इस पर्सन को उस चीज़ का एक आदि बना दिया है, तो इसी वजह से आपके साथ दोबारा से यूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि यूनियन करने का मेन पर्पज़ ही इस पर्सन का ये है। बहुत कम चांसेस हैं कि जो पर्सन आपके साथ सीरियस होंगे यहाँ पे या आगे आपके साथ शादी करना चाहते हैं, क्योंकि इसको लग रहा है आप लोग अपनी पसंद की अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहे हो, क्योंकि यू गाइस आर वेरी टोटली स्टेबल। या आप कुछ और मजीद देखते हैं आपके पर्सन इस टाइम आप लोगों के लिए क्या महसूस कर रहे हैं जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं। एंड देन वी हैव कॉफी कप, यस ही आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन चाहता है, इस पर्सन की फीलिंग काफ़ी अपलिफ्टेड हो रही है और ये पर्सन आपको शो भी ऐसे ही करवाएगा जैसे ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, चाहे इस पर्सन की इंटेंशन अंदर ही अंदर लालच वाली हो, ठीक है, लेकिन ये आपके साथ फ्रेंडशिप भी बनाना चाहते हैं और कोई आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिन्होंने पहले आप लोगों से किसी तरह का कोई लोन लिया था या पैसे वैसे ही लिए थे, इसने आपको रिटर्न नहीं किए हैं, लेकिन स्टिल और हो सकता है इसी वजह से शायद आप लोगों की बातचीत बंद हुई हो, दोबारा आपके पास इसी मकसद के लिए आ रहे हैं। देन वी हैव ट्विन फ्लेम, कुछ लोगों का कनेक्शन यहाँ पर ट्विन फ्लेम का है, ठीक है, डेफिनेटली वो बैलेंस करना चाहते हैं और ये ट्विन फ्लेम वाले ही हैं जो यहाँ पर सीरियस होंगे आप लोगों के साथ, वो आपके साथ कपल बनाना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं अपने आप को आपके साथ, ठीक है।
क्योंकि पहले कनेक्शन यूनिवर्स की तरफ से ही आप दोनों के दरमियान बैलेंस नहीं था, बट अभी ये बैलेंस करना चाह रहे हैं सब कुछ. देन वी हैव लाइटनिंग गैस, ये सडन चेंज चाहते हैं आप लोगों की लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग अनएक्सपेक्टेडली आपको ये अप्रोच कर सकते हैं, आपको उनकी तरफ से किसी तरह की न्यूज़ मिल सकती है ताकि आप दोनों के जो दरमियान कनेक्शन है वो दोबारा से एक अच्छे लेवल पर जाए, दोबारा से आप लोगों का कनेक्शन जो है यहाँ पर स्टार्ट हो, ठीक है. लेकिन आपको ये जो भी पर्सन है ना, ये चाहे अच्छा है या बुरा है, जो आपको मैंने दो एनर्जीज यहाँ पे बताई हैं, वो आपके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं. कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छी कन्वर्सेशन आपके साथ करेंगे, कुछ अपनी मतलब की करेंगे तो वो भी आपको समझ आ जाएगी. सो आप लोगों ने करना ही, आप लोगों ने बस अटेंटिवली ज़रा पूरे यू नो फोकस से, बिल्कुल एक्टिव माइंड से आप लोगों ने उनकी फोकस करना है कि वो पर्सन कन्वर्सेशन क्या कर रहा है. अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं आप लोग जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हो, आपके पार्टनर्स जो हैं उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आप लोगों की तरफ, या उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है. ओके, हमारे पास है यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. नेक्स्ट एक्शन एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड. ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल वे में गाइज आप लोगों की तरफ एक्शन लेने वाला है. चाह रहा है कि ये पर्सन ना ज़्यादा ज़रा हो जाए थोड़ा सा पोजेसिव, लेकिन साथ साथ अपने माइंड को लेके भी ये चलेगा पर्सन. एंड देन वी हैव द स्टार एंड टू ऑफ वैंड. दिस पर्सन इज़ वेटिंग कि आपकी तरफ एक्शन ले, बिकॉज ये अपना ड्रीम जो है उसको कम ट्रू करना चाहता है. इस पर्सन की विश है कि आपके साथ कनेक्शन को ठीक करे, बट स्टिल दिस पर्सन फील्स नेक्स्ट एक्शन लेते हुए इसको डेफिनेटली ये फील आएगी कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो चुके हो अब, और आप लोग अब डेफिनेटली इस पर्सन को इसके हर बात का जवाब भी दोगे और आप काफ़ी क्वेश्चंस भी करोगे इस पर्सन से. इसीलिए थोड़ा सा ये पर्सन रुक रहा है, लेकिन आई फील लाइक ये पर्सन जो है 2 मंथ्स में या फिर 3 मंथ्स में ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों की तरफ एक्शन लेगा आपसे बात करने के लिए, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बड़ी मुश्किल से इसने खुद को कंट्रोल किया हुआ. यस, दिस पर्सन फील्स अपना नेक्स्ट एक्शन लेते हुए हर चीज़ को जो है वो अपने सामने रखेगा, क्योंकि इसको लग रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हो, काफ़ी फेम मिल रहा है, काफ़ी नेम बन रहा है आप लोगों का, आपका फ्यूचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो चुका है, इसलिए ये एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं. लेकिन इसको ये भी पता है कि आप लॉजिकल भी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना. आप लोग अपने दिमाग को ज़्यादा प्रेफर करते हो, अपने दिमाग की ज़्यादा सुनते हो आप इंस्टेड ऑफ हार्ट. दिल को पीछे रखते हो आप, दिमाग को आगे लेकर चलते हो. इसीलिए ये पर्सन जो है ना सोच रहा है, बड़े आराम से वेट कर रहा है ये पर्सन एक्शन लेने का. जहाँ पे इसको मौका मिल गया ये पर्सन आपको अप्रोच कर देगा, ठीक है. यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. लेकिन इस पर्सन को पता है कि अगर ये पर्सन खुद कुछ बोलेगा आपको, कुछ भी ऐसा बोलेगा, तो आप उसको उस बात का जवाब दोगे. पहले नहीं देते होगे, लेकिन आप दोगे. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.